Hello everyone. Okay, my dear students, in the last class we were discussing about the different type of chemical reactions and we have discussed about the double displacement reaction. Today we will discuss further from that. So in double displacement reaction we have discussed that when there is a mutual exchange of ions takes place, that reaction is known as double displacement reaction. There is one more category of reaction that is known as precipitation reaction. So what is precipitation beta? Precipitation kya hota hai hamare paas? Precipitation reaction is very simple reaction. Agar main baat karun ki mere paas kya hai, do liquid solutions hain aur un do liquid solutions ko mix karne se mere paas kya hota hai, un do liquid solution ko mix karne se mere paas ek इनसॉल्युबल कंपाउंड बने, तो उसको हम बोलते हैं प्रसिपिटेशन रिएक्शन। अब बेटा जितनी भी प्रसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती हैं। और एक और कैटेगरी होती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले मैं एक बार प्रसिपिटेशन रिएक्शन की बात करता हूँ। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास है बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। इन दोनों को मिक्स करने से हमारे पास क्या बनता है, NaCl प्लस बैरियम सल्फेट। ओके, अब इन दोनों को मिक्स करने से जो ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये एक इनसॉल्युबल है। ओके, और जो हमारे पास ये दोनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, ये लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, और इन लिक्विड सॉल्यूशन से हमारे पास एक इनसॉल्युबल कंपाउंड अगर बने जो कि सॉलिडिफाई हो जाए सॉल्यूशन के अंदर से, तो उसको हम बोलते हैं प्रसिपिटेशन रिएक्शन। ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रसिपिटेशन रिएक्शन। एक और कैटेगरी मैंने अभी बताया आपको, होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है भाई कि अगर हम लोग एक एसिड और एक बेस को मिक्स कर दें, एक एसिड को और एक बेस को मिक्स कर दें, तो हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। से फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, HCl और NaOH को मिक्स करा भाई, इससे हमारे पास क्या बना, NaCl प्लस वाटर बना। ऐसे टाइप की रिएक्शन जिनके अंदर हमारे पास क्या होता हो, एक एसिड और बेस को मिक्स करने से एक सॉल्ट बनता हो जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बेटा, ये भी हमारे पास क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है। ओके, तो भी हमने अभी पढ़ लिया कि जो न्यूट्रलाइजेशन और प्रसिपिटेशन रिएक्शन है, इस इन रिएक्शंस में भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उससे पहले रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो भाई ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है भाई जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। और रिडक्शन क्या होती है भाई, जिनके अंदर हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन है भाई। और रिडक्शन क्या है प्यारे बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब भाई इसमें किसका रिमूवल होता है, ऑक्सीडेशन में रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। किसका रिमूवल होता है भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होता है भाई, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है अभी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अगर आपके पास ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है अभी,
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सबसे पहले ये पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। तो अगर मैं H2 और Cl2 को मिक्स करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, HCl बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है भाई, रिडक्शन रिएक्शन होती है। ओके, तो ये हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई जिनको हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जो रस्टिंग प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आयरन आर्टिकल्स पे रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, वो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है जो कि एटमोस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है भाई। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर के ऊपर ब्लैकिश अपीयरेंस आ जाती है, वो भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, तो अभी देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठा हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कॉपर ऑक्साइड में मैं हाइड्रोजन को ऐड करता हूं तो मेरे पास कॉपर प्लस वाटर बनता है भाई। तो ये जो रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास कॉपर प्लस वाटर बन रहा है, इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, अब बारी आती है बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद दो चीजें होती है अभी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई, जिस एजेंट में जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा हो, जो खुद रिड्यूस हो रहा हो और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हो रिएक्शन के लिए, क्योंकि उसके अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा हो, जिसके अंदर रिडक्शन टेक्स प्लेस, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की बात हुई भाई। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है प्यारे बच्चों वो है रस्टिंग प्रोसेस। अब रस्टिंग क्या होती है या फिर कोरोजन क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। कोरोजन या फिर रस्टिंग क्या होती है भाई हमारे पास, कोरोजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में किसी भी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। व्हाई, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन और द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर एंड सम अदर रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर विच गिव्स अ लेयर ऑन पर्टिकुलर मेटल इज नोन एज कोरोजन प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है भी कोरोजन। सो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है प्यारे बच्चों जिस प्रोसेस के अंदर हमारे पास किसी भी मेटल का डिग्रेडेशन हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो द स्लोली डिग्रेडेशन ऑफ मेटल by oxygen and moisture
present in atmosphere. एटमोसफियर में जो हमारे पास ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से स्लो डिग्रेडेशन जो है मेटल का वो हमारे पास कोरोजन कहलाता है अभी. तो कोरोजन जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, कोरोजन प्रोसेस में हमारे पास जो मेटल है वो स्लोली डिग्रेड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बोथ. अब बेटा जैसे अगर मैं बात करूं कि आयरन के आर्टिकल्स पे रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है उस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं. तो कोरोजन ऑफ आयरन क्या कहलाता है, रस्टिंग. रस्टिंग क्या होती है अभी, रस्टिंग होती है द डिग्रेडेशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स. तो आयरन आर्टिकल्स की जो डिग्रेडेशन है क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर और डिफरेंट रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि आयरन को रस्ट कर देती हैं. और रस्ट का फॉर्मूला पूछ लेते हैं भी, कई बार क्या होता है आयरन ऑक्साइड XH2O. एक्स दो तीन हो सकता है अभी, अलग अलग क्वांटिटी होती है एक्स की, वो डिपेंड करता है कितने टाइम तक किसी भी आयरन आर्टिकल को इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन रखा गया है. तो ये हमारे पास होता है रस्टिंग. इसके अलावा भी एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ एग्जाम्पल, इसके अलावा ब्लैकिश अपीयरेंस जो सिल्वर पे है वो ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर की वजह से आती है. ग्रीनिश अपीयरेंस जो कॉपर पे है वो किसके वजह से आती है, वो भी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर की वजह से आती है. इन प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा कोरोजन प्रोसेस. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है प्यारे बच्चों रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी हमारे पास होती है भाई कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो चिप्स यूज करते हैं या फिर जो चिप्स या फिर कोई भी पैकेज्ड फूड खाते हैं उस पैकेज्ड फूड को अगर हम लोग ओपन करके ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो आफ्टर सम टाइम बदल जाता है. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो ऑयल या फिर फैट्स यूज किए गए हैं वो ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर. उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल और बटर. ठीक है भाई, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी. अब रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है जिस टाइम आपके पास जो ऑयल और फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एयर, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी. अब बेटा रेंसिडिटी से बचाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा जितने भी चिप्स हम लोग खाते हैं उनके अंदर है ना आपको एक पर्टिकुलर गैस फील की जाती है और वो गैस जो है वो एक इनर्ट गैस होती है जैसे कि नाइट्रोजन, ताकि वो चिप्स जो है वो क्या ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो. सो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स ऑफ ऑयल और फैट्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रेंसिडिटी. तो रेंसिडिटी क्या है भाई, जो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फैट्स का इन प्रेजेंस ऑफ एयर. इसके अलावा रेंसिडिटी से क्या फर्क पड़ता है, जो टेस्ट है अपीयरेंस है वो बदल जाती है भी ऑयल और फैट्स की, ठीक है, जिसकी वजह से ऑयल और फैट्स जो है वो अल्टरेशन आ जाती है उनके टेस्ट में, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी. अब रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अभी, रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट करते हैं इन केस ऑफ चिप्स, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं. और जो चीजें रेंसिड नहीं होने देती बटर को ऑयल को या फिर फैट्स को, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस हैं भी जो किसी भी ऑयल या फैट को क्या नहीं होने देते, रेंसिड नहीं होने देते, या फिर बटर को रेंसिड नहीं होने देते, खराब नहीं होने देते, उनको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स या फिर फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको लंबे टाइम तक चलाने के लिए हम लोग उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में डालते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है. बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं रेंसिडिटी को
प्रिवेंट करते हैं। ऐसे ही बेटा हम लोग कोरोजन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग आयरन आर्टिकल्स पे पेंट करते हैं ताकि वो एयर या मॉइस्चर की जो टच है या फिर एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में बहुत ईजिली ना आए। ओके, दिस इज अबाउट रेंसिडिटी एंड कोरोजन। थैंक यू सो मच।